Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum my dear students I hope all of you will be fine while staying at your home my name is seri Satar and I am your social studies teacher today we will read a very interesting topic as you can see the arts in which dance, music and art will be our subtopics so open your oxford social studies for pakistan book at page number 94 by the end of the lesson students will be able to identify art as major aspect of culture name different forms of dance performed in pakistan learn that music is a part of our history आइडेंटिफाई काइंड ऑफ आर्ट फाउंड इन पाकिस्तान सो बिफोर वी स्टार्ट आर टू डेज लेसन मैं ये जानना चाहूंगी डू यू नो एनी वन वट इज आर्ट में भी आप में से किसी को आइडिया हो आर्ट इज बेसिकली अयुमन क्रिएटिव एक्टिविटी विच इज टिपिकली इन अजुअल फॉर्म The arts in which dance, music, art and literature are included form an important part of the culture of a country. So, our first point is the arts. The history of a country can be told through these forms of art. In Pakistan, we have many experts in these arts which have been handed down from one generation to the next. पाकिस्तान में इन फॉर्म्स ऑफ आर्ट में हमारे पास बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी एक्सपर्टीज को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हैंड आउट कर देते हैं डांस ईच ग्रुप ऑफ पीपल इन आर कंट्री हैज इट्स ओन स्पेशल डांस यूजली दीज डांसेस आर परफॉर्म्ड एट अ स्पेशल प्लेस एंड एट अ स्पेशल टाइम दिस मे बी एट हाविस टाइम और ऑन द ओकेजन ऑफ अ फीस फेस्टिवल और अ वेडिंग हर रीजन में हर रीजन के डिफरेंट पीपल जो हैं वो अपने डिफरेंट ओकेजन पर अब वो मे बी फसल की कटाई का मौसम है चाहे वो कोई दावत है चाहे वो कोई फेस्टिवल है चाहे वो कोई वेडिंग है उनके जो डांसेस हैं उनके जो पैटर्नस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं लाइक सिंधीज पंजाबीज बलोचिस एंड द अदर पीपल एंड द पीपल ऑफ खैबर पखतून ऑल हैव देर ओन डांस फाइन कलरफुल क्लॉथ देट बाय म्यूजिशिय प्लेइंग वराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट और ओनली वन इंस्ट्रूमेंट सच एज अ ड्रम अब जो ये अपने अपने इलाकों को अपने अपने रीजन्स को जो ये परफॉर्म करते हैं उनके डांसेस को तो वो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर भी परफॉर्म करते हैं और समटाइम ऐसा होता है कि जस्ट वो ड्रम की बीट पर भी परफॉर्म करते हैं सॉन्ग्स पर भी जो है परफॉर्म करते हैं और समटाइम्स सिर्फ बोलियों पर वो परफॉर्म करते हैं सम डांसर्स लाइक खटक डांस आर परफॉर्म्ड बाय मेल डांसर्स हु खटक डांस पाकिस्तान के रीजंस में से बहुत मशहूर डांस है जिसमें जो मेल डांसर्स हैं उनके हाथों में तलवारें होती हैं और वो उसके साथ जो है वो डांस को एक स्पेशल और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में परफॉर्म करते हैं हेयर वी हैव सम लिस्ट ऑफ डांस बाय देर रीजन्स हम रीजन वाइज कुछ डांस फॉर्म्स को देखेंगे और मे बी इसमें से बहुत से डांस फॉर्म्स से आप जो हैं वो पहले से ही अवेयर हों यहाँ है, है हमारे पास पंजाबी फोक डांस द लुड्डी एंड भांगड़ा आर टू पॉपुलर डांसेस ऑफ पंजाब पंजाब में लुड्डी और भांगड़ा में भी लुड्डी के बारे में बच्चों को स्टूडेंट्स को ना इतना पता हो लेकिन भांगड़ा के बारे में सब बच्चे जानते होंगे द नेक्स्ट बलोची फोक डांस द लेवा इज अ फोक डांस ऑफ द मकरानीज ऑफ बलोचिस्तान बलोचिस्तान के लोग आप उनका ड्रेस कोड देख सकते हैं इन ड्रेस कोड में वो एक स्पेशल डांस परफॉर्म करते हैं जिसे लेवा कहा जाता है डिटेल नोट ऑन कलाश फोक डांस अप इन द माउंटेनस एरिया ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इन द कलाश वैली नियर चित्राल द गर्ल्स वीअर डार्क क्लॉथ विद ब्राइटली कलर्ड बॉर्डर्स जो कलाश की गर्ल्स हैं उनके जो ड्रेसेस हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हैं अराउंड दे स्ट्रिंग्स ऑफ रेड एंड वाइट बीड्स वो डिफरेंट कलर्स के जो बीड्स हैं उनको वो उनकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो अपनी गर्दन के गर्द पहनती हैं देयर हेड गियर इज डेकोरेटेड विद कावरी शेल्स बटन्स एंड बीड्स उनके जो हेड गियर होते हैं यानी जो उन्होंने अपने सर पर अपने जो भी वो ताज टाइप उन्होंने जो पहना होता है जो हेड कवरिंग उनकी होती है वो बहुत ज्यादा कलरफुल बीड्स वगैरह बटन वगैरह के साथ शेल्स के साथ डेकोरेटेड होती हैं। दे परफॉर्म देयर ओन फोक डांस वो अपने जो उनके अपने डांसेस हैं उनको अपने स्टाइल में वो परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट करदू फोक डांस क्या है एट खपलो नियर्स करदू द लोकल पीपल परफॉर्म अ फ्लावर डांस कॉल्ड मेंदक एंड डांस कॉल्ड स्टेमनो वहां पर भी एक फ्लावर डांस है जो बहुत ज्यादा मशहूर है जिसे मिंदक कहा जाता है और अगेन सोर्ड के साथ वहां पर भी परफॉर्मेंस होती है जिसे स्टेमनो के नाम से जाना जाता है इन द नॉर्थ ईस्ट द मैन परफॉर्म खावर अ डांस कंप्लीट बाय द क्लैपिंग ऑफ हैंड्स एंड बीटिंग ऑफ ड्रम्स यहां पर जो लोग हैं वो किस तरह परफॉर्मेंस देते हैं अपने डांस की क्लैपिंग ऑफ हैंड्स के साथ और बीटिंग ऑफ ड्रम्स के साथ जो उनकी डांस परफॉर्मेंस है वो होती है नेक्स्ट वी हैव टॉपिक एंड दिस इज म्यूजिक पाकिस्तान अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स म्यूजिक हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आर कल्चर आप से बहुत से बच्चों के बहुत सारे सिंगर्स फेमस होंगे तो जो म्यूजिक है वो बहुत अर्ली टाइम से हमारी ट्रेडिशन में शामिल है म्यूजिक विच इज प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जिन्हें इंस्ट्रूमेंट के साथ टूल्स के साथ प्ले किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कहलाता है म्यूजिक विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन वॉइस इज कॉल्ड वोकल म्यूजिक और जिन्हें अपनी आवाज के साथ प्रोनाउंस किया जाता है वो वोकल म्यूजिक कहलाता है सो हेयर वी हैव अ लुक ऑन इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास यहाँ थ्री टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं मे बी आप इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स को जानते हो और कुछ को नहीं तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं सो आर फर्स्ट टाइप इज विंड विस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय ब्लोइंग इन टू माउथ पीस लाइक फ्लूट शहनाई एंड वेरियस हॉर्न्स ये आपने बांसुरी बजाते किसी को देखा होगा उसी स्टाइल में जो माउथ पीस होते हैं उनके अंदर ब्लोइंग करके जो इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे म्यूजिक जो है वो क्रिएट किया जाता है सेकेंड टाइप इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय प्लकिंग स्ट्रिंग्स विद द फिंगर्स और यूजिंग बो ये एज यू कैन सी के स्ट्रिंग्स का यूज होता है जिन्हें आप फिंगर्स के साथ जो है वो प्ले करते हैं जिनमें सितार सारंगी एंड एक तारा जो है वो आते हैं प्रकोशन म्यूज इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय हिटिंग विद द हैंड्स और स्टिक्स टेबल ढोल एंड पखवाज इसमें क्या है कि स्टिक्स के साथ भी एज यू कैन सी बंच ऑफ टेबल एंड उनके ऊपर या ढोल के ऊपर जो है वो हैंड्स के साथ और स्टिक्स के साथ जो है वो इंस्ट्रूमेंट को इनको प्ले किया जाता है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंटल uh, म्यूजिक की टाइप है सो नेक्स्ट वी हैव आर्ट हमने आर्ट के बारे में पहले भी पढ़ा है कि आर्ट किसे कहते हैं ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है क्रिएटिव एक्टिविटी है जो कि मोस्टली विजुअल फॉर्म में होती है जिसमें मोस्टली पेंटिंग म्यूजिक डांस एक्सेट्रा आते हैं सो वट वी हैव इन आर बुक फॉर थाउजेंड ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान के लोगों ने बहुत से आर्ट वर्क जो है वो उनके बहुत ब्यूटिफुल जो उनकी क्रिएशंस हैं वो इसमें शामिल है आर आर्ट कैन बी सीन इन पेंटिंग्स आर्किटेक्चर इन मॉस्क एंड अदर ग्रैंड बिल्डिंग्स इन रॉक एंड वुड कार्विंग्स ऑन फैब्रिक्स इन हैंडी कारपेट्स, सिरामिक्स पोट्री एंड इन ज्वेलरी अब आर्ट की फॉर्म आप कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान में लोग कहाँ कहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं पेंटिंग्स में शो कर रहे हैं आर्किटेक्चर में आप बहुत खूबसूरत मसाजिद देखते हैं बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स को देखते हैं रॉक और वुड के ऊपर जो कार्विंग होती है खुदाई होती है उसके नक्शो नगार जो बनाए जाते हैं फैब्रिक के ऊपर जो डिजाइनिंग है हैंडी क्राफ्ट है यानी जितने भी हाथ से बनाई गई अशिया हैं कार्पेट्स हैं फिर सिरामिक्स और पोट्री जिसमें सिरामिक्स में क्ले से बनाए गए बर्तन और पोट्री जिसमें फाइड क्ले होती है वो बर्तन और जो ज्वेलरी की डिजाइनिंग है ये बहुत ये सब चीजें किसमें इंक्लूड होती हैं ये आर्ट में इंक्लूड होती हैं यू मे हैव

दे यूज पेंट मेड फ्रोम प्लांट एंड एनिमल डाइज ईच आर्टिस्ट हैड हिस् ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग बट द आर्टिस्ट इन वन रीजन यूजली है एक ही रीजन के रहने वाले लोगों का जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग या आर्ट था वो मोस्टली सिमिलर होता था मुगल आर्ट वॉज बेस्ड ऑन स्टाइल्स ब्रॉड फ्रॉम पर्शिया मुगल जो थे वो उनका जो आर्ट था वो उन जो वो ब्रॉड किया गया था डिजाइनिंग जो उनकी आर्ट ऑफ डिजाइनिंग थी वो पर्शियन जैसी थी दे इन मेकिंग मिनिएचर पेंटिंग आप देख सकते हैं कि एक मुग़ल मिनिएचर जो आर्ट है वो भी स्क्रीन पर शो हो रहा है तो एक डिफरेंट बहुत डिफरेंट स्टाइल है दिस फॉर्म ऑफ आर्ट हैज बीन कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम्स और ये आज तक बहुत मशहूर है और अभी भी ये कंटिन्यू में है आर राइटिंग कैलीग्राफी इज ऑल्सो एन आर्ट फॉर्म एज यू कैन सी अ कैलीग्राफिक पिक्चर ऑन द स्क्रीन द राइट वर्ड्स टू लुक लाइक ब्यूटीफुल पिक्चर्स विच कन्वे द मीनिंग ऑफ सोर्ड्स बहुत सारे मुस्लिम जो आर्टिस्ट हैं वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो कैलीग्राफी है वो सब जो आर्ट्स है उसकी वो उसको एक आर्ट ऑफ मदर के तौर पर जाना जाता है

अपनी सोल को खुशी देने के लिए हम करते हैं तो ये हमारे आज के टॉपिक थे सो लेट्स हैव अ लुक ऑन रिकेप्युलेट आर टॉपिक द आर्ट्स हमने आर्ट्स में क्या पढ़ा डांस म्यूजिक आर्ट आर मेजर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर एवरी रीजन हैज इट्स ओन डांस फॉर्म हमने देखा कि आर्ट में हर रीजन के अलग अलग जो उनके डांस स्टाइल्स हैं उनमें भांगड़ा झूमर लेवा मिंदक एंड खावर आर पॉपुलर फोक डांस फॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान अब ये पाकिस्तान के पॉपुलर फोक डांसेस हैं म्यूजिक विच इज प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक विन स्ट्रिंग एंड प्रकोशन आर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज इन म्यूजिक हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी पढ़े आर आर्ट कैन बी सीन इन पेंटिंग्स आर्किटेक्चर इन मॉस्क एंड अदर ग्रैंड बिल्डिंग्स इन रॉक एंड वुड कार्विंग ऑन फेब्रिक्स हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्ट कार्पेट सीरा पोट्री एंड इन ज्वेलरी और हमारा आर्ट हम कहाँ पर देख सकते हैं मोस्टली पाकिस्तान में पेंटिंग्स में आर्किटेक्चर में कार्विंग में फैब्रिक में हैंडीक्राफ्ट्स में कारपेट्स और जो सिरामिक्स की डिजाइनिंग है और जो ज्वेलरी की डिजाइनिंग है उसमें हम देख सकते हैं तो हमने आर्ट्स में जो डांस म्यूजिक और आर्ट जो इसके पॉइंट्स थे वो हमने उनको प्रिसाइज कर लिया है आपने बहुत अच्छे से इसके पॉइंट्स को नोट भी कर लिया होगा सो so, अब जो हमारा टाइम है वो कुछ होम असाइनमेंट के बारे में है आपको बहुत अच्छे से पेज नंबर 94 से 96 तक को रीड करना है जिसमें से मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं और फर्स्ट एमसी क्यूज इज समांस लाइक खटक डांस आर परफॉर्मड बाय डैश डांसर्स हुई अब अगर आपको जो हमारा डांस का पॉइंट था अगर वो याद है तो आपको याद होगा कि वो डांसर्स कौन थे मेल फीमेल नन कौन थे आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों को मोस्टली बच्चों को याद होगा कि मेल डांसर्स हु कैरी सोर्ड्स जिनके हाथों में सोर्ड्स होती हैं सेकेंड ऑप्शन सेकेंड एमसीक्यू इज द लुड्डी एंड भांगरा आर टू पॉपुलर डांसेस ऑफ वेरी इजी यू कैन इजीली गेस इट बलोचिस्तान पंजाब सिंध किन के हैं ये पॉपुलर डांसेस लुडी एंड भांगड़ा पंजाब यस यू आर राइट एड थर्ड इज डैश इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट प्लेड ब्लोइंग इन टू माउथ पीस कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो किसी एक माउथ पीस में ब्लो करके जो है वो प्ले किए जाते हैं स्ट्रिंग प्रकॉशंस विंड विंड इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली जो ब्लो करेंगे वो विंड इंस्ट्रूमेंट्स के लाए जाएंगे मुगल आर्ट वॉज बेस्ड ऑन स्टाइल्स ब्रॉड फ्रॉम ये अभी बहुत ही रिसेंट हमने पढ़ा कि जो मुगल आर्ट था वो कहाँ से ड्राइव किया गया था रोम से पर्शिया से या इंडिया से सब बच्चों को आई होप सब बच्चों को याद होगा इट इज ब्रॉड फ्रॉम पर्शिया मुगल आर्ट वॉज बेस्ड ऑन स्टाइल्स ब्रॉड फ्रॉम पर्शिया ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो मैंने एमसीक्यू की सूरत में बनाई हैं आपको बहुत अच्छे से पेज नंबर 94 नाइन्टी फोर से नाइन्टी सिक्स की रीडिंग करनी है और ऐसे ही आपको एमसीक्यू जो है वो रेडी करने हैं आई होप आपने आज का अपना जो लेसन है वो बहुत अच्छे से सुना है उसके पॉइंट्स को रेडी भी कर लिया होगा उनको जहन नशीन कर लिया होगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़